Hello friends, hi guys, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। और कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जड़ता गुण जो था इसका मैंने यूनिट नहीं बताया था। देखिए इसमें एक्चुअली हुआ था क्या था कि हमको थोड़ी सी हिंदी कम समझ में आती है, इसके वजह से क्या हुआ था हमको ये बात नहीं समझ में आया था। तो जड़ता गुण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला होता है जी mr2। एम क्या है जी केजी, और आर का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर इसका 16 का सी हो जाएगा जी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी देखिए कभी कभी ये होता है, मुझे मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम का हूं तो मुझे हिंदी थोड़ी सी कम समझ में आती है, लेकिन मैंने हिंदी पढ़ाई किया है। तो आगे बढ़ते हैं जी, हम लोगों ने क्वेश्चन कल 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके आगे का क्वेश्चन अब डिस्कस करना है तो 31 से डिस्कस करते हैं जी। एक वोल्ट डैश डैश के बराबर होता है, ये मैंने क्या किया था आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था जी, कुछ लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुछ करेंट के भी मैंने क्या बना रखे हैं जी सॉरी कुछ मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनका सबका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज वहां देखें, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और ज्वाइन बटन जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी बताएं, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक करें जी। और जो आपको कोई भी वीडियो में प्रीमियम करता हूं तो उसका सेट रिमाइंडर भी ऑन करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो हमेशा आपको क्या होगा जी नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं बता दूं कि आप जो अपडेटेड ब्राउजर यूज कीजिएगा, क्योंकि छोटे जो भी चैनल्स हैं आपको उनको नोटिफिकेशन अगर प्राप्त करना है तो आपको ये कोशिश तो करना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 का बहुत सारे लड़कों ने आंसर दिया था जो सेटिस्फैक्टरी आंसर भी है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक वोल्ट डैश डैश के बराबर होता है जी। तो देखिए अब वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, वोल्ट क्या होता है वर्क बाई कूलाम। बोलता है कि एक कूलाम को इन्फिनिटी से वर्क क्षेत्र में जितना में लाने में जितना कार्य किया गया है उसको क्या बोला जाता है जी, तो वोल्ट बोला जाता है। तो वर्क का जूल होता है, कूलाम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा जी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 32 ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है किया गया कार्य, काम करने की गति, कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा क्या है जी, कार्य करने की क्षमता है कि किया गया कार्य है, क्या है तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं जी ऊर्जा बोलते हैं। 33 है ये, ऊर्जा की विमाएं क्या होती है ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा क्या होता है जी कोई भी एनर्जी है, यानी हाफ एम बी स्क्वायर लिख लीजिए, किसी से भी एमजीएस से भी निकाल सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से निकालते हैं, एफएस से निकालते हैं, सबसे क्या हो जाएगा सेम ही यूनिट आएगा। तो हम हाफ एम से क्या होता है मास होता है, एम वेलोसिटी से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, यानी आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो आंसर ये हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बोला है, अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली में केल्विन किसकी, केल्विन क्या है जी टेम्परेचर का इकाई है, तो 34 का क्या हो जाएगा आपको आंसर बी हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर जो भी लड़का यूनिट एंड डायमेंशन से अगर क्वेश्चन में अगर गलती करके आता है तो उसका सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा जी। याद रखिये ये बहुत मतलब क्या जी सिंपल चैप्टर है, इसमें अगर आप नंबर खोते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सिलेक्शन में जी। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं जी। एक जूल बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको याद करना है जी, ठीक है ना। मैं बोलूंगा क्योंकि इसको अगर इसका भी तरीका है, इसका भी निकालने का तरीका है, लेकिन अगर आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो रटना है मैं खुद बता देता हूं। तो क्या है जी 10^7 अर्ग होता है, ठीक है। एक फोर्स जो है एक न्यूटन किसके होता है 10^5 क्या होता है जी डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, एक जूल किसके बराबर होता है एफ एस, तो एफ एस, तो अगर इसको अगर मान लीजिए एक न्यूटन रखते हैं, एफ अगर न्यूटन में रखते हैं और एस क्या है जी मीटर में रखते हैं, तो क्या मिलेगा एक हमको क्या मिलेगा जूल मिलेगा। लेकिन इसी फोर्स को अगर डाइन क्या रखते हैं जी डाइन सिस्टम में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10^5 डाइन, और एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 10^7 अर्ग हो जाएगा जी। अब इसमें अर्ग होता है तो अर्ग हो गया। देखिए समझने की बात यह है कि हमको आता सब कुछ है, लेकिन हमको जहां याद करना है अब यहाँ पे याद करना पड़ेगा जी, एक क्या होता है 10^7 अर्ग होता है, एक जूल 10^7 और एक न्यूटन पर 10^5 डाइन होता है, तो डायरेक्ट इसको याद रख लेते हैं, बाकी कंसेप्ट भी याद रखेंगे साथ में, जहां हमको अगर डायरेक्ट आंसर देकर बढ़ना है हमको वहां टाइम सेविंग हो जाएगा, क्योंकि टाइम की तो इम्पोर्टेंस है जी कंपटीशन। उष्मा धारिता के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, उष्मा धारिता क्या होती है जी, देखिए
अब उष्मा धारिता मैंने बताया था कि जो भी आपको नहीं याद रहेगा आप क्या कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा जी, आप उसको गोला घेर लीजिएगा। मैं भी गोला घेर दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि अगर आप उष्मा धारिता, देखिए उष्मा धारिता क्या होता है जी, बोल रहा है कि हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है जी, हीट कैपेसिटी देखिए क्यू बराबर होता है एम एम एस डेल्टा टी, एस डेल्टा टी होता है जी, यही कोई कोई सी भी लिखता है इसको, सी डेल्टा टी भी लिखता है। तो देखिए बोल रहा है कि उस विशिष्ट एक होता है विशिष्ट उष्मा धारिता, देखिए जब क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी तो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, क्या है, विशिष्ट उष्मा धारिता है। अगर उष्मा धारिता लिखा है तो सी डेल्टा टी होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी डेल्टा टी। तो देखिए उष्मा धारिता को बताना है, सी को बताना है, स्पेसिफिक हीट को नहीं बताना है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को बताना रहता है क्या होता है जी, कैलोरी, क्यू हीट के लिए क्या होता है कैलोरी, इधर नीचे रहेगा तो क्या आ जाएगा केजी, और टाइम केल्विन तो क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी केल्विन हो जाएगा जो भी। तो देखिए ये वाला आंसर हो जाता है कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम, है भी नहीं। चलिए और इसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है जी, तो इसका पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैलोरी है एनर्जी है ना, या जूल हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा यहाँ टेम्परेचर, या नीचे क्या जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, इसमें जूल है इसमें कैलोरी है। और बताइए हीट के लिए क्या यूज करते हैं जी, तो कैलोरी यूज करते हैं ना। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा जी, उष्माधारिता कैलोरी, कैलोरी किसका है, हीट का है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ पे सी इनवर्स, यहाँ भी कैलोरी, तो आंसर हो जाएगा 36 का ए आंसर हो जाएगा, 36 का बी आंसर दे रखा गया है जो कि क्या है जी, गलत है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जी थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिएगा, अब इसमें एसआई यूनिट लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यही लेते हैं हीट, किसमें लेते हैं कैलोरी में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट दिया है तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा जी, आंसर बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये स्टार याद रखिए जी, बी हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। पराध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, पराध्वनिक चाल, चाल क्या है जी, आपको पता होगा कि जो भी तेज गति से चलते हैं विमान वगैरह, तो उनके टेम्परेचर, उनका क्या होता है वेलोसिटी हाई होता है, तो उसको किसमें नापा जाता है, 37 का आंसर दिया है, 8 किसमें नापा जाता है जी, पराध्वनिक चाल नॉट में मापा जाता है, नॉट क्या होता है जी, नॉट एक क्या है स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें नापा जाता है चाल, किसमें जी, पराध्वनिक चाल के लिए। उष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है, उष्मा संवाहकता, उष्मा संवाहकता क्या होता है जी, तो हीट का, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जी आगे बोलते हैं 39, 39 का क्या हो जाएगा, 39 एसआई पद्धति का मात्रकों की संख्या, बोला है एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी है जी। देखिए अब एसआई पद्धति में बेसिक कितने थे जी, 7 थे, और दो क्या थे डिराइव्ड थे, तो बेसिक कितने हो गए, 7 हो गए, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी, बेसिक कितने हैं, 7 हैं, और डिराइव्ड कितने हैं, 2 हैं। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, अगर कुल पूछेगा तो क्या लिखेंगे जी, 7+2 यानी 9 लिखेंगे। अब देखिए इसमें पद्धति मात्रकों की संख्या पूछ रहा है, तो मात्रकों की संख्या 7 है, अब इसमें 9 है भी नहीं, तो डाउट भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं जी, 40, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखिए अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा बड़ होता है जी, सबसे बड़ा इकाई कौन सी होती है, तो पार्सेक होता है, पार्सेक किस में बड़ा है, सबसे इसमें है प्रकाश वर्ष है, खगोलीय पार्सेक। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा बड़ा है जी, तो आपको याद होगा आंसर, देखिए बोल रहा है बी, एक खगोलीय मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष है, एक क्या है जी पार्सेक है, एक प्रकाश बराबर 3.2 क्या होता है पार्सेक होता है, एक खगोलीय मात्रक क्या है जी सबसे बड़ा होता है, तो खगोलीय मात्रक। यहाँ से आप, मैंने इस वीडियो को जो पढ़ाया आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं जी, उसमें हमने ये डिस्कस पूरा किया था, और उसको हमने क्या किया था जी, पूरा समझाया था, तो ये देख सकते हैं आप वहां से कि सबसे बड़ा क्या होता है जी, खगोलीय मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष होता है, उसके बाद पार्सेक होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 41, 41 में निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, बोला निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। देखिए विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, आयतन, तो मूल राशि में हमने पढ़ा था पदार्थ की मात्रा मूल पढ़ा था जी, आयतन के लिए हमने पढ़ा था, आयतन के लिए पढ़ा था जी, विद्युत धारा के लिए पढ़ा था, आयतन के लिए नहीं पढ़ा था, द्रव्यमान भी पढ़ा था, तो 41 का आंसर क्या होना चाहिए जी, तो 41 का आंसर डी सही है, क्या है जी वॉल्यूम हमने नहीं पढ़ा। देखिए विद्युत धारा के लिए हमने एम्पियर पढ़ा था मूल मात्रक, द्रव्यमान के लिए मास पढ़ा था, पदार्थ की मात्रा के लिए मूल पढ़ा था, लेकिन हमने आयतन के लिए नहीं पढ़ा था, आयतन के लिए हमने वॉल्यूम क्या होता है जी, तो मीटर क्यूब होता है, तो हम लोग उससे निकालते हैं जी, मीटर क्यूब से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, एक्चुअली फोन आ रहा है, तो इस तरह हम लोग निकालते हैं जी, ये बात को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या है जी,
निम्न में से कौन मूल राशि है सॉरी सॉरी चलिए निम्न में से कौन सी मूल राशि है? त्वरण, वेग, धन घनत्व, ज्योति तीव्रता। निम्न में से कौन मूल राशि है जी? 42 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डी। त्वरण, घनत्व, वेग, ज्योति तीव्रता। देखिए मूल राशि की बात की जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? मास पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ज्योति तीव्रता पढ़ा था, लेकिन तो ये क्या है? मूल राशि है। ठीक है, मैं जो पढ़ाया हूँ आप जाकर उसी को बस पढ़ लीजिए, बस उतना ही काफी है जी। और कुछ फॉर्मूले जो बताए गए हैं उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप जितना भी फॉर्मूले ग्रुप डी में या एएलपी में आपने पढ़ा है उस सबको याद रखिएगा जी, तो आपको क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या है जी? निम्न से कौन सी राशि क्या है जी? बेसिक कौन, मूल राशि कौन है? तो फंडामेंटल है ज्योति तीव्रता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान एसआई प्रणाली का संक्षिप्त रूप है। एसआई यूनिट बताना है जी किस है? इंटरनेशनल लेवल पे, तो कौन सा है? तो 43 सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टमेटिक इंटरने। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनेशनल। 43 का आंसर दिया है आपको डी दिया है जी, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, डी आंसर 43 का डी, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल डी, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टमेटिक सिस्टम। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा जी, देखिए सिस्टम स्टैंडर्ड होने, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स, तो आपको आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है ना। 43 का आंसर दिया हुआ है आपको डी, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सर इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है, इसने ऑप्शन सही बना नहीं रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस कर लें। देखिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, देखिए मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूं लेक्चर का, इसमें सही एकदम क्लियर है, लेकिन देखिए मैं इसको आपको गलत नहीं बताऊंगा। मैं जैसे कल वाला का डिस्कस आज कर दिया हूं देखकर, वैसे इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं इसको देख लूंगा। ऐसे आप लोग गूगल भी सर्च कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा जी एसआई का क्या है, क्या है जिस आपको उसका एसआई जैसे डालिएगा उसका फुल फॉर्म भी आ जाएगा, एसआई फुल फॉर्म भी खोजेगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है हम, देखिए कुछ होता है बेसिक, जो भी रटने वाला होगा आपको भी पता होगा, मैं उसको नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉजिक जो कंसेप्ट क्लियर है, जिस चीज के लिए आप हो मेरे पास अवेलेबल है तो आप मेरे पास रहिए, नहीं हो तो आप दूसरे से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी, लाइक कीजिएगा, इसके लिए मैं, मेरा हक जरूर बनता है। 44 मूल मात्रक अनमात्रक स्तर पर बोल रहा है, मूल मात्रक अनमात्रक पर निर्भर करता है। देखिए मूल मात्रक नहीं करता है जी, अनमात्रक मूल मात्रक पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक कभी भी निर्भर नहीं करता जी, मूल मात्रक कभी भी निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक से ही तो डराइव होता है दूसरा, तो ये निर्भर नहीं करता जी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट भी डाला है क्योंकि मेरी तबीयत क्या थी जी, सही नहीं थी, तो चलिए इसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा जी। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? तो हर्ट्स होता है। 45 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा जी। एक नैनो बराबर 10^-9 होता है, तो 46 का आंसर है। ये सभी मैंने लिखा रखा है, आप डायरेक्ट वहां से जाकर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं जी। 47 1 माइक्रो क्या? 10^-6 सी। 1 पीको क्या होता है? 10^-12 होता है पीको जी। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। एक एंगस्ट्रम क्या होता है? 10^-10 मीटर होता है। 49 का बी। 49 का आंसर क्या है जी? बी है। एक प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है जी? डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो दूरी के क्या है जी? इकाई है। तो 50 का क्या हो जाएगा? बी आंसर। ल्यूमेन का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? ल्यूमेन क्या है जी? तो ज्योति फ्लक्स होता है। क्या होते हैं? ज्योति फ्लक्स होती है, इसको भी याद कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ल्यूमेन है आपको फ्लक्स है, तो ये सब देखिए फ्लक्स डेंसिटी है, तो ये सब ज्योति फ्लक्स है, तो ये जो क्वेश्चन है जो कंफ्यूजिंग है उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करती है, तो इस सब बात को भी ध्यान रखिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो बोल रहा है हमें क्या जी? टेस्ला। और इस बात को ध्यान रखिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात पे भी ध्यान रखिए। ग्रुप डी का मैं सब कुछ बताऊंगा, जो भी फिजिक्स वाला पार्ट था, जो भी फिजिक्स वाला पार्ट था, जो भी क्वेश्चन बने थे आप उसको पढ़िए, एनालिसिस जिसका भी हो आप देखिए, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसको जरूर बनाइए जी, ठीक है ना। इसमें भी आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल बुक में भी दे रखे, आप उसको भी बनाइए जी।
अभी मैं उसको डिस्कस ही कराऊंगा, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कर सकते हो तो आप खुद कर लो, नहीं तो आप उस वीडियो को भी देख लो। टेस्ला टी निम्नलिखित में से किस तरह मात्रक है? तो टेस्ला किसका है जी? तो विद्युत चालकता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ये। अब इस क्वेश्चन में है कि थोड़ा मैग्नेटिक क्या जी पढ़ना पड़ेगा, तो 52 का ये हो जाएगा जी, 52 का आंसर ये दिया हुआ। चलिए 53, बल युग्म का सही मात्रक क्या जी? बल युग्म क्या होता है जी? एफ क्रॉस क्या होता है? एस होता है, तो बल युग्म क्या हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा, तो एफ एस न्यूटन मीटर हो जाएगा ना, यहां से देख सकते हैं। 54, पृष्ठ तनाव का सही मात्रक, पृष्ठ तनाव, तो 54 का आंसर क्या है जी? बी है, क्या है जी? न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? पृष्ठ तनाव का क्या होता है जी? फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है? लेंथ होता है, फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? न्यूटन, माने टेंशन अपॉन लेंथ होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, 54 का बी आंसर हो जाएगा। लेकिन जिसका फॉर्मूला नहीं जानते आप उसका फॉर्मूला खुद याद कर लीजिएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, 55 में क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या है जी? फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? वेबर होता है, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप, 56, पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व याद किया था 10³ केजी पर मीटर क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अभी याद रखिएगा, 10³ केजी पर मीटर क्यूब होगा। 57, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? आयतन, बल, वेग, घनत्व। अच्छा जी, तो इन सब का क्या करना है हमको? निकालना है जी, तो निकाल लेते हैं। एल क्यूब सही है, घनत्व का क्या होता है? देखिए घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है, तो ए मीटर में होता है, तो एल क्यूब हो जाएगा ना। बल एफ एस, अगर नहीं याद, देखिए मैं कोई भी नहीं याद करता हूं, एफ एस है। एम ए एस, एम का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। एम ए, ए का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ई का है, क्या लिख रहा हूं, एम का लिखना है, तो एम होता है मास के लिए, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस का क्या होता है? मीटर होता है। देखिए कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं, देखिए एम एल टू टी माइनस टू किसमें है जी? बल का है, नहीं है, तो बल का है खत्म, ये भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा गलत संबंध बताना था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का एम एल एफ एस, बल का क्या होता है? मास, एफ एस मास के लिए एम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये भी तो गलत है ना, गलत है जी। सी आते हैं, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ये सही है। घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है जी? तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए क्या होता है एम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एल क्यूब, एल क्यूब, तो ये क्या है? एम जीरो है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है, तो आंसर ये भी गलत है और ये भी गलत है जी, ठीक है ना। 58 का क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों हो जाएगा। 58 बढ़ते जी, 58 बोला निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है विमाहीन है? तो विकृति क्या होती है जी? विकृति क्या होती है? डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? विकृति होती है, तो ये क्या हो जाएगी? विमाहीन हो जाएगी। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है जी? घनत्व अपन घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? डेंसिटी अपन डेंसिटी होता है, ये भी क्या हो जाएगा? और कोण क्या होता है जी? ये भी होता है, यूनिटलेस होता है, तो यूनिटलेस ये तीनों हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 58 का आंसर डी हो जाएगा, सही है। प्लैंक नियतांक विमाएं समान होती है, प्लैंक कांस्टेंट का बोल रहा है कि विमाएं किसके बराबर होती है? तो प्लैंक ऊर्जा के, बल के, रेखीय संवेग के, कोणीय संवेग का, तो 59 का आंसर क्या दिया है जी? कोणीय संवेग का, तो कोणीय संवेग देखिए कोणीय संवेग बोल रहा है क्या है जी? प्लैंक कांस्टेंट का क्या है जी? सेम है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कोणीय प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखिए और उसका क्या कीजिए, उससे आप लोग डिराइव कर लीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा ही स्लो हो गया। यदि हम बल, वेग, समय के मात्रक क्रमशः एफ, वी और टी से चुने तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी? देखिए अब ये बोल रहा है कि एफ और वी टी से क्या कीजिए, आप कोई फॉर्मूला बनाइए जिसे क्या हो, द्रव्यमान का निकाले जाए। तो देखिए बल है, वेग है और समय है जी, तो यानी बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। अब इसमें तो मास और एक्सेलरेशन आया, इसमें हमको वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम होता है ना जी, तो यहां से फॉर्मूला ले लेंगे। या देखिए अब हमको क्या करना है जी, मास का निकालना, तो मास के लिए फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी बाई वी हो जाएगा। तो अब देखिए एफ हो गया इंटू टी हो गया, नीचे क्या हो गया? वी आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 60 का आंसर सी। देखिए को जो क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया मैं उसको खुद कर दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो ये लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके वीडियो मेरा इस लेक्चर का देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज इसको पूरा पूरा खत्म करना है, थोड़ा समय स्पीड
तेजी चल रहा हूँ, ठीक है जी। एसआई इकाइयों की ऊर्जा और कार्य की इकाई बताना जी। ऊर्जा और कार्य के लिए क्या होता है? जूल होता है, जूल जूल है। वाट पावर के लिए होता है, किलो वाट भी पावर के लिए होता है। अर्ग क्या होता है जी? अर्ग भी क्या होता है? तो एसआई नहीं है, ये क्या है? सीजीएस सिस्टम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 61 का, 61 का आंसर बी हो जाएगा जी। 61 का बी, 62। प्रतिबल की मात्रा की विमाएं वही होती है जो, देखिए प्रतिबल क्या है, प्रतिबल के लिए क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। प्रेशर क्या है? दबाव। तो दबाव का 62 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 63, संयांत्रता की इकाई क्या होती है जी? तो संयांत्रता की इकाई क्या होती है? तो सी पॉइजुली होती है। क्या होती है जी? पॉइजुली। अब देखिएगा यही क्वेश्चन है, संयांत्रता की पॉइज और पॉइजुली दोनों, देखिए कैसे आंसर बना रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, तो मैं इसको मानूंगा कि क्या है जी, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। अब बताइए कैलोरी यूनिट क्या होती है? कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी अभी बताया किसका होता है? हीट का होता है। हीट क्या है? उष्मा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। 65, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। अब देखिए अब ये वाला ऊर्जा नहीं है जी, मैकेनिकल पार्ट नहीं है, अभी क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो वहां पे बताऊं, पावर बराबर क्या होता है? वी इंटू आई होता है, और पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? हीट आ जाएगा। हीट यानी क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। देखिए हीट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हीट क्या होता है? वी आई टी। या अगर हीट के लिए और भी फॉर्मूला जानते होंगे, वी स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी है, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मूला, सॉरी चलिए साइड हो गया था, मैंने देखा नहीं। देखिए तो हीट के लिए क्या होता है? वी आई टी होता है। ये क्या होता है? वी स्क्वायर आर भी हो सकता है। तो यहाँ किसी से भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं, नहीं बोला। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट एम्पियर क्या होता है जी? वोल्ट एम्पियर क्या होता है? पावर होता है। तो 65 का आंसर क्या है? बी है जी। क्या बोला है? बोल बी बोला है। किलो वाट आवर, देखिए किलो वाट, वाट का मतलब क्या है जी? पावर है। किलो तो केवल आप 10 का पावर 3 बता रहे हैं, वाट तो पावर इंटू आवर में टाइम है, तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा जी। तो ऊर्जा हो जाएगा। ये क्या है? वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। ये वाट क्या होता है? पावर का होता है। किलो वाट क्या है जी? पावर का है। तो ये तीनों क्या है? पावर का है, लेकिन ये क्या है? ऊर्जा की है, यानी एनर्जी का है जी, ठीक है ना। तो किलो वाट आवर हो जाएगा। प्रदीप्त का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो प्रदीप्त 6 का आंसर डी है जी, लक्स। प्रदीप्त का क्या होता है जी? तो लक्स होता है। देखिए ये भी याद रखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है, प्रदीप्त है, जो सांता है, ये सब क्या जी? कन्फ्यूजिंग है, जो कि बहुत कम ही लड़के जानते हैं। और जो स्कोर करेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, उसी का सिलेक्शन होगा जी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सी विद्युत व्युत्पन्न राशि है? देखिए किलोग्राम तो मेरा क्या है जी? स्टैंडर्ड यूनिट, सेकंड स्टैंडर्ड है। मीटर क्या है? यूनिट है। तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो 67 का आंसर डी हो जाएगा। अब जो हम लोग याद किए हैं, इसका मतलब क्या है जी? वो मूल है, भौतिक है। आज जो उससे डराइव होगा, तो इसमें डराइव तो कोई है ही नहीं, सब मूल है। मैनोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापन के लिए किया जाता है। मैनोमीटर किसका नाम किया जाता है? तो मैनोमीटर किसके लिए किया जाता है? दाब के लिए किया जाता होगा। 68 का ये आंसर है जी। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता के गुणांक बोला है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है जी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या बोले थे? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल फॉर्मूला होता है। तो फोर्स अपॉन ए तो यूनिटलेस होता है, और ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? तो पास्कल होता है। अब इसमें देखिए न्यूटन, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर ए हो जाएगा। 70, आवेग की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है? आवेग क्या होता है जी? संवेग के बराबर होता है। बोल रहा है आवेग की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या हो? इकाई का क्या नाम है? आवेग क्या होता है जी? आवेग होता है एफ गुणे टी होता है। कुलाम आवेग, सॉरी आवेग नहीं जी, आवेश है, कुलाम है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ। आवेश का क्या होता है? तो कुलाम होता है, या ईएसयू। देखिए ईएसयू किसके लिए होता है? ईएसयू, ईएसयू आपको पता है केमिस्ट्री में यूनिट होता है। किसमें होता है जी? केमिस्ट्री में होता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का बोला, तो कुलाम होता है एसआई यूनिट में। तो इस सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाता है? ईएसयू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 70 का बी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यही है, यही क्वेश्चन जो है क्या करेगा? आपको एक रैंक दिलाएगा जी। इस रैंक को याद रखिएगा, यही रैंक आपको दिलाएगा जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखने की बहुत जरूरी है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे रैंक को इम्प्रूव करता है, और हमको उस कंपटीशन से बाहर निकालता है जहां पे होगा कि नहीं होगा, बाउंड्री पे होंगे कैसे होंगे, ये सबको क्या करता है? दूर करता है। अभी जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, और इतना ज्यादा फैलाएं कि जो बच्चे मिलियंस ऑफ मिलियंस, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसे धोखे दे रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ा नहीं रहे हैं, इतने लग रहा है कि जैसे गेट का पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये थोड़ी सी
उन बच्चों के लिए मोटिवेशन मिलेगा जो थोड़े लड़के क्या है जी वीक भी है, क्योंकि तो वो भी पता है वो लोग गेट का पढ़ा दे रहे हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए सारे के सारे चैनल कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि किताब जो प्रिंट हो रहा है उनका अलग कंसेप्ट है, किसी पब्लिकेशन का तो किताब ही नहीं मैच कर रहा है जी सिलेबस से भी, कितना का तो सिलेबस भी नहीं है, कितना तो सिलेबस मैच करा दे रहा है और अंदर में कुछ और लिख रहा है। तो इन सब बातों को समझिए, क्या आता है क्या नहीं आता है, आईटीआई का लेवल इतना हाई नहीं होता है कि आप उतना हाई लेवल तक जाए, ठीक है ना। चलिए क्यूरी एक यूनिट है, क्यूरी क्या है जी एक यूनिट है, क्यूरी अब किसका यूनिट है तो रेडियो एक्टिविटी का है, तापमान ऊर्जा की ऊष्मा की, तो रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है क्यूरी होती है जी। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन याद करने वाला, इसमें मैं कुछ आपको नहीं बता सकता क्योंकि तो आपको ये खुद रटना पड़ेगा। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाए, तो आरपीएम बताना है जी, तो रिवोल्यूशन पर मिनट, तो बोला किसके द्वारा नापा जाएगा, बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है जी, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, स्टेबोस्कोप। तो 72 का आंसर तो डी है, स्ट्रेबोस्कोप। देखिए एनेमोमीटर से क्या किया जाता है, एयर का नापा जाता है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है जी, पास प्रेशर नापा जाता है, हाइग्रोमीटर हाइड्रो, हाइड्रो से डेंसिटी नापा जाता है, हाइग्रो से ह्यूमिडिटी नापा जाता है, इसे ह्यूमिडिटी नापा जाता है आर्द्रता। तो स्ट्रेबोस्कोप क्या है जी, ये घूर्णी की फ्लाई। अभी देखिए इसमें से हमको ये सब याद रहेगा तो हम ऐसे भी छांट सकते हैं ना इसको, तो इस तरह भी छांटने का भी सीखिए। देखिए इसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, तो पता है हम इसको क्या है, बैरोमीटर प्रेशर है, एनोमीटर एयर का है, हाइग्रोमीटर क्या है ह्यूमिडिटी का है, हाइड्रोमीटर क्या है डेंसिटी का है। तो स्ट्रेबोस्कोप जब बच गया तो वो क्या होगा, घूर्णी की फ्लाई का आरपीएम बताएगा जी। स्ट्रेबोस्कोप आपको पता है, जो स्ट्रेबोस्कोप आपको व्हीकल्स वगैरह में भी लगे होते हैं जी, तो अब बात वहां पर ध्यान नहीं आती, लेकिन तो हम इतना अगर पढ़ लिए रहेंगे, इन तीन के लिए पढ़ लिए रहेंगे तो चौथा अपने आप लग जाएगा ना, तो इसलिए बोलते हैं कंसेप्चुअल पढ़िए। अब देखिए इसमें जो 100% श्योर होगा कि इस तीनों का यूनिट जानता है वो तो जरूर इसको लगाएगा ना, तो यही मैं बोल रहा हूँ, और इसे ही पढ़ने की जरूरत है जी आपको, ठीक है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त है, अब देखिए तारे की दूरी नापना है तो वो भी पता है कि किसके द्वारा नापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष क्या है जी, प्रकाश वर्ष के द्वारा नापा जाता है, क्योंकि क्या है बहुत ज्यादा दूरी है। तो चलिए आज का यूनिट मेरा खत्म हुआ, इसके बाद हम अगले चैप्टर में टेस्ट लेंगे जी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें जी, और जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं बेल बटन दबा दें जी, जब भी मैं वीडियो को प्रीमियम करता हूं आपसे रिमाइंडर करें, ज्वाइन बटन दिख रहा है तो ज्वाइन बटन को ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, और आपका सहयोग ही हमें क्या कर सकता है, एक मंजिल पहुंचा सकता है जी। मैं अपना काम अपना इतना समझ रहा हूं कि मैं अपना काम क्या कर रहा हूं, फर्ज पूर्वक कर रहा हूं, आप भी फर्ज मेरा अदा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरे चैनल का सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन इतना सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता है जी, क्योंकि हमें भी एक फाइनेंशियल एड चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक अचीवमेंट प्राप्त करें, जिससे कि हमें भी, देखिए आपको भी पता है कि अब मैं कितना फैसिलिटी कम प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं एक सीधे एक मोबाइल से आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो मेरे साथ फैसिलिटी बहुत कम है। अगर आपके ये एड्स जो है, आपको भी पता है कि आपको सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे ही मुझे एड मिलेगा, और उसी एड से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फैसिलिटी बढ़ाऊंगा और चैनल का वो एक अचीवमेंट पे ले जाऊंगा। जो ऐसे बहुत सारे चैनल है जो मिलियंस और मिलियंस व्यू रखे हैं, उनके कम्पीट करने का मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है, और यूट्यूब ये चैनल प्रोवाइड कराया है, तो यूट्यूब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्वेश्चन पे एक जीके का क्वेश्चन पूछूंगा कि यूट्यूब का सीईओ कौन है जी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्रदीप्त का एसआई यूनिट बताइएगा, श्यांता की एसआई यूनिट बताइएगा, प्लैंक नियतांक का बताइएगा, ठीक है जी फॉर्मूला बताइएगा, प्लैंक नियतांक से रिलेटेड फॉर्मूला बताइएगा, आवेश के सीजर सिस्टम बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच, Enjoy your life.